सामान्य तौर पर जिस तरह की व्हाट्सएप कॉल आते हैं उसी तरह की व्हाट्सएप कॉल को इस्तेमाल किया, यूज किया, लेकिन ये नंबर पाकिस्तान के निकले, धमकियां पाकिस्तान की निकली जी। विष्णु बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, नंबर वहां तक कैसे पहुंचे, कौन लोग धमकियां दे रहे हैं, ये तमाम अहम सवाल उठते हैं। लेकिन विष्णु, अगर पाकिस्तान से कनेक्शन मिले हैं तो मामला सीरियस भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल इस तरह का, हालांकि मैं आपको बता दूं प्रियंका की पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई जिसमें पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं, जयपुर में अलावा कई जो सामाजिक संगठन के लोग हैं या फिर मतलब कुछ कार्यकर्ता है, उनको धमकियां देने की पहले भी ऐसी तरह की घटनाएं जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा राजस्थान में भी और कई जगहों पर आई है। तो वो लोग किन व्यक्तियों को टारगेट करते हैं, वो किस तरह से उनको मतलब क्या सोशल मीडिया के जरिए वो उनको पहले उनकी आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको मालूम चलता है कि भाई ये कुछ हिंदू संगठन हो सकते हैं या इसी तरह के कुछ पैरेलल संगठनों के लिए काम करते हैं, तो इसलिए इन्हीं लोगों को ये लोग टारगेट करके और निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो